भी जो है वो सेंट्रल इंडिया और झारखंड के ऊपर अभी साउथ वेस्टर्ली और सदर्ली विंड के चलते और उधर से नॉर्थ वेस्टर्ली विंड के चलते अपर और लोअर लेवल में जो बह रही है इसके चलते मॉइस्चर फीडिंग हो रहा है झारखंड के ऊपर, और इसी के चलते ये क्लाउडी वेदर बना हुआ है। ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए यहाँ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का ही अनुमान किया गया है 2 दिन, 25 और 26, और वार्निंग भी है थंडर एंड लाइटनिंग का 2 दिन, 25 और 26, बाकी 27, 28 और 29 मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो अभी जो है अगले 2 दिन 25-26 क्लाउडी वेदर और बारिश का छिटपुट बारिश का अनुमान है, 27 से बादल छट जाएगा, धूप खिलने के आसार हैं, 28 से आपको दिन में धूप मिलेगी, दिन का तापमान भी बढ़ा मिलेगा, लेकिन सवेरे कनकनी मिलेगी, ठंड बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूनतम तापमान गिर जाएगा, और ये कम से कम 2 से 4 डिग्री गिरने की संभावना है 28 तारीख को मॉर्निंग में। तो 27 के बाद ठंड का एक दौर और चलने का अनुमान।